नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसीएच श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि MT4 के साथ एल्गो ट्रेडिंग करना हो तो किस तरीके से सेटिंग करते हैं एल्गो ब्रिज में, और किस तरीके से ऑटो ट्रेडिंग परफॉर्म होता है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं algobridge.in की वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, www.algobridge.in। ये वेबसाइट का नाम है, इस पर जाके आपको अपना अकाउंट खोलना होगा। आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपका LIS ब्लू में अकाउंट है तो आप यहाँ पर आके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि मैं लॉगिन बटन प्रेस किया तो लॉगिन बटन पे आप जब जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको साइन अप का एक ऑप्शन दिखेगा। साइन अप पे क्लिक करने से आपका एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी है, LIS ब्लू की क्लाइंट आईडी डालनी है। अगर आपके पास LIS ब्लू का अकाउंट नहीं है तो आप LIS ब्लू का अकाउंट खोल सकते हैं, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपना LIS ब्लू का अकाउंट डालिए और अपना कोई भी पासवर्ड क्रिएट करिए, नाम डालिए, ईमेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, और फिर यहाँ पर LIS की आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आइए एक्सेप्ट पे कीजिए और उसके बाद रजिस्टर पे चले जाइए। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर तुरंत एक मेल आएगा, वो आपको जाके अपनी मेल पे चेक करना है और उसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप उस पे कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप आके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं लॉगिन करता हूँ अपना अकाउंट। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं उसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते ही हमारे पास जो स्क्रीन खुल के आती है वो ये स्क्रीन है। ये दोस्तों स्ट्रेटजीज की स्क्रीन है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये मैं एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये इसमें 6 अलग अलग स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं और आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको किसी मेटा ट्रेडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चार्टिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सुपर ट्रेंड पे जो लोग काम करते हैं, सुपर ट्रेंड में आप भी देख सकते हैं, आप ATR 10 और MT4 का पैरामीटर यहाँ पे यूज़ है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, और इंट्राडे एंड पोजिशनल दोनों तरीके से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर सिग्नल्स पर क्लिक करूँगा तो हमें दिखेंगे कि कौन कौन से रनिंग सिग्नल्स अभी चल रहे हैं। जैसे कि अभी सिल्वर के रनिंग सिग्नल चल रहे हैं, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर और सिल्वर मिनी तीनों में ही सेल का सिग्नल, सॉरी सिल्वर माइक्रो में सेल का सिग्नल चल रहा है, और सिल्वर मिनी में बाई का सिग्नल चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो सिग्नल्स चल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें आपको एक चीज़ और मिलती है जो है सिग्नल्स के बाद परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस पे क्लिक करने से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से सिंबल में यहाँ पर टारगेट्स आए, कौन सा स्टॉप लॉस में क्लोज हुए हैं, कौन से क्या क्या, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर तक दिख जाती है। उसमें पता लगेगा कितने परसेंट एक्यूरेसी आपकी निकल के आ रही है, क्या प्रॉफिट लेवल्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ये आने वाले 200 सिग्नल्स के बारे में बताता है, 200 सिग्नल्स के आगे फिर ये चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको इसकी एक्यूरेसी वगैरह का पता लगेगा। और अगर आपको देखना है कि भाई कौन सा सिंबल इस स्ट्रेटजी में बेस्ट वर्क कर रहा है, बेटर वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आप हीट मैप पर जा सकते हैं। हीट मैप पर जाने से आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन से सिंबल में बड़ी एक्यूरेसी, जैसे मनप्पुरम में आप देखेंगे तो ये बोल रहा है 100% एक्यूरेसी आ रही है, और मनप्पुरम का एक ही सिग्नल दिखा रहा है अभी यहाँ पे, तो एक ही सिग्नल में जो टारगेट लगा इसकी वजह से वो उसको 100% एक्यूरेसी दिखा रहा है। उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं जिन पर आप जाके देख सकते हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं इतने सारे सिग्नल हैं जिनमें से सिर्फ एक स्टॉप लॉस है और बाकी के सब टारगेट की तरफ गए। तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज का सेक्शन काम करता है। इसके बारे में मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा तब आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा सब कुछ करके। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं MT4 ब्रिज के बारे में, तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, MT4 ब्रिज के बारे में बात करते हैं। MT4 ब्रिज में हमारा हम लोग यहाँ पे से एक सिंबल क्रिएट करते हैं जिस सिंबल में हमें ट्रेड करना होता है। लेकिन सिंबल क्रिएट करने से पहले हमारा काम होगा, जब आप सबसे पहली बार हमारी वेबसाइट पे आएंगे, लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले यूनिक आईडी बनानी है और इसको सेव कर देनी है। जो भी आप यूनिक आईडी बना के सेव करेंगे वो आपकी परमानेंट यूनिक आईडी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 7Tix अपना यूनिक आईडी बना रखा है, आप कुछ भी बना सकते हैं, MT4 में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा प्रोसेस जो आपको डेली करना है, ये जो यूनिक आईडी का प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये सिर्फ आपको एक ही बार करना है, डेली डेली आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो है एक बार आपने यूनिक आईडी क्रिएट कर ली है तो आप उसके बाद इस यूनिक आईडी को यूज़ कर सकते हैं। बाद में आप चाहते हैं चेंज करना तो कोई भी और चेंज करके अपडेट करेंगे तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों मेन काम पे, एक्सेस टोकन गेट करना है। एक्सेस टोकन होता है कि आपको ब्रोकर के थ्रू एक एक्सेस मिलता है कि आप आज पूरे दिन इस API को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो।
इस एपीआई के टोकन को भेजने के साथ साथ, ये टोकन है आपका, इस टोकन के साथ साथ जो भी हम पैरामीटर्स, जो भी हम चीज़ें भेजेंगे उस हिसाब से वो एलिस ब्लू में जाके ट्रेड होने शुरू हो जाएगा। तो हम गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे ये हमें एलिस ब्लू की वेबसाइट पे लेके जाएगा, हमसे बोलेगा कि आप अपना अकाउंट लॉगिन कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर देना है। उसके बाद ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर मांगेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर डाल दीजिए और उसके बाद कर दीजिए सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट करके वेबसाइट पे लेके आएगा वापस। आप देखिए ये हमारी एल्गोब्रिज की वेबसाइट पे वापस लेके आ गया, तो हमें नया टोकन मिल गया आज की ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम वैलिडेट पे क्लिक करके चेक करेंगे कि जो टोकन मिला वो सही है या नहीं है, एक्सेस टोकन वैलिड। ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया कि हमारा एक्सेस टोकन वैलिड है, अब हम पूरे दिन इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें जाना होगा MT4 ब्रिज के पास। MT4 ब्रिज में हम जहाँ पर सिंबल क्रिएट करेंगे, कोई भी सिंबल हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सिंबल क्रिएट करना है क्रूड ऑयल का, ये हो गया क्रूड ऑयल सितंबर फ्यूचर, क्रूड ऑयल सितंबर फ्यूचर पे सिलेक्ट करेंगे तो इसने आप बता दिया एक्सचेंज ये है, इंस्ट्रूमेंट ये है, सेव कर दो। तो जैसे हमने सिंबल को सेव किया यहाँ पर एक नई रो बन के आ गई जिसमें हमें बता रहा है एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट की और एक्शंस, एक्शन में क्या क्या एक्शन करने हैं। ये पहला जो एक्शन है वो है स्टार्ट करने का, इससे क्लिक करने से अब ये सिंबल स्टार्ट हो गया, अब कोई भी ट्रेड जब आएगा तो इसमें सक्सेसफुली ट्रेड कर देगा। सेकेंड है स्क्वायर ऑफ करने का, यहाँ पे से आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री का, जो भी ट्रेड अभी होंगी उनकी हिस्ट्री देखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है डिलीट करने का, अगर आप चाहते हो इसमें ट्रेड नहीं करना, किसी और चीज़ में ट्रेड करना है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने काम की तरफ कि हम किस तरीके से MT4 के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए। तो दोस्तों अब ये आ गया है हमारे पास क्रूड ऑयल का चार्ट MetaTrader 4 के अंदर, इसमें हम कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इंडिकेटर डाउनलोड करके डालना होगा। अब इंडिकेटर हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पर हो मोर का ऑप्शन, मोर के ऑप्शन में है डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड के ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे डाउनलोड रोबोट इंडिकेटर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर हो जाएंगे हमारे डाउनलोड। ये देखो इंडिकेटर डाउनलोड हो गए। अब इस इंडिकेटर के फोल्डर में हमें दो चीज़ें मिलेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक है इंक्लूड की फाइल और एक है इंडिकेटर की फाइल। तो जो इंक्लूड की फाइल है वो हमें इंक्लूड के अंदर डालनी है और जो इंडिकेटर की फाइल है वो हमें इंडिकेटर के अंदर डालनी है। डालने के लिए हमें क्या करना होगा, MT4 में जाएंगे हम फाइल के अंदर, ओपन डेटा फोल्डर के अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे MQL4 के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे इंक्लूड के अंदर। ये जो HTTP की फाइल हमें दिखाई दे रही है ये वाली फाइल जो है हमें वहाँ पर इंक्लूड के फोल्डर में मिलेगी, वो फाइल हमें वहाँ से उठा लेनी है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देनी है। उसके बाद जो दूसरी फाइलें हैं इंडिकेटर्स की वो हमें मिलेंगी वहाँ पर इंडिकेटर के नाम से, और उसको हमें जाके यहाँ पर एक कोई भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है। हम राइट क्लिक करके कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एल्गोब्रिज के नाम से फोल्डर क्रिएट कर रखा है, इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं। इस तरीके से तीन अलग अलग इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, तीनों यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ये पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चार्ट में राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना है, तो यहाँ पर वो फोल्डर आपको दिखने लगेगा। तो जैसे ये मेरा ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ था इसलिए मैंने इसमें कॉपी पेस्ट नहीं किया है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें दो फोल्डर मिलेंगे आपको डाउनलोड करने के बाद, एक होगा इंक्लूड का और एक होगा इंडिकेटर्स का। इंक्लूड वाले को इंक्लूड में डालना है, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया आप पीछे देख सकते हैं वापस जाके वीडियो, और उस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक ये सेमी ऑटो ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम आपको एक ऑप्शन देते हैं जिसमें आप सेमी ऑटो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ईजी ट्रेडिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि आप किसी भी तरीके का ऑर्डर यहाँ से बटन दबा के ही तुरंत लगा सकते हैं, और वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले सबसे ऊपर एल्गोब्रिज की डिटेल डालनी होगी, अगर आप एल्गोब्रिज का अकाउंट होल्ड कर रहे हैं और एल्गोब्रिज का अकाउंट यहाँ पर है आपके पास और उसमें अभी सब्सक्रिप्शन लेफ्ट है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये एक्सेस दे देगा, इंडिकेटर अपने आप चलने लगेगा। यूज़र की का ऑप्शन आ गया दोस्तों यहाँ पर, यूज़र की हमने जो बनाई थी, जैसे मैंने बनाई थी अपनी 7 टिक्स, तो वो मैंने यूज़र की डाल दी। उसके बाद हमें डालना है इंस्ट्रूमेंट की हमें कहाँ से मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट की हमें मिलेगा अपने ब्रिज टूल के MT4 ब्रिज में। MT4 ब्रिज में जाएंगे, हमने क्रूड ऑयल का सिंबल सेलेक्ट किया था, इस की को कर लो पेस्ट कॉपी और यहाँ पर कर दो MetaTrader 4 के अंदर इसको पेस्ट।
अब ये मेटा ट्रेडर 4 के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन है, रेगुलर ऑर्डर चाहिए आपको, कवर ऑर्डर चाहिए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर चाहिए, ब्रैकेट ऑर्डर चाहिए, जो भी ऑर्डर चाहिए आप उस ऑर्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेगुलर ऑर्डर पे करूँगा। अब रेगुलर ऑर्डर पे आपको मार्केट ऑर्डर करना है, लिमिट ऑर्डर करना है, SLM करना है, तो वो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट में आपको MIS करना है, नॉर्मल करना है, CNC करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है लिमिट एंट्री करनी है तो लिमिट की एंट्री प्राइस डालेंगे, ब्रैकेट ऑर्डर का SL और ब्रैकेट ऑर्डर का टारगेट और कवर ऑर्डर का SL। तो ये अगर आप ब्रैकेट या कवर ऑर्डर यूज़ करेंगे तो ये इनपुट्स को ये आप यूज़ करेंगे, नहीं तो इनको 0-0 रहने देंगे। उसके बाद है आपका ऑप्शन ये टारगेट स्टॉप लॉस का। मार्केट ऑर्डर में अगर आपको टारगेट या स्टॉप लॉस लगाना है तो ये ट्रू करके यहाँ पे जो भी टारगेट ऑर्डर या स्टॉप लॉस रखोगे उसके हिसाब से आपको लाइनें दिखाई देने लगेंगी। जैसे तो मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने 20 पॉइंट्स का रखा और यहाँ पर रखा मैंने 25 पॉइंट्स का। तो अभी 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 25 का टारगेट रखा है मैंने। अब मैं यहाँ पर जाके जब इसको ओके करूँगा तो ओके करने के बाद यहाँ पर एक मुझे ये सेक्शन दिखाई दे गया, एक और सेक्शन इसमें दोस्तों होता है जो है टर्मिनल विंडो। टर्मिनल विंडो में जाके एक्सपर्ट पे जाओगे, एक्सपर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे हमें रिस्पॉन्स दिखाई देता है। जब भी हम कोई ट्रेड डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। अब देखिए जैसे क्रूड ऑयल का हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर जब से मान लीजिए हमें बाय करना है क्रूड ऑयल, जब हम बाय पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बटन पे तो ये हमें यहाँ पे दिखा दिया रिजल्ट सक्सेस न्यू ट्रेड एग्जीक्यूटेड। रिजल्ट सक्सेस जो इसका मतलब क्या है कि नया ट्रेड हो गया है। अब यहाँ पर दो लाइनें भी दिखाई दे रही हैं हमें। अब ये लाइनें किस चीज़ की लाइनें हैं? ये लाइनें दोस्तों स्टॉप लॉस और टारगेट की, जो हमने सेट किया था। इन लाइनों को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, डबल क्लिक करो ऐसे ऊपर ले जाओगे तो ऊपर हो जाएगी, डबल क्लिक करोगे इसको भी ऊपर ले जाओगे। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट मॉडिफाई होते हैं और राइट टॉप टॉप लेफ्ट में आपको दिखाई देते रहते हैं भाई क्या स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का अब रह गया, क्या है क्या नहीं है, तो पूरी डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखती रहती है। अब जो ये ट्रेड हमने मारी है भाई, इस ट्रेड को देखने जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम अपनी LIS ब्लू की वेबसाइट पे जाके उनके ब्राउज़र पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमने यहीं पे दिया है ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स का बटन। ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स एंड ट्रेड दिख जाएगा। जैसे ये मैंने खोला, ये देखो क्रूड ऑयल का बाय का ट्रेड मैंने अभी मारा, ये ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, रिजेक्ट पे भी आ रहा है। रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि 56,000 का मार्जिन चाहिए भैया, 8,800 समथिंग कुछ आपके अकाउंट में अवेलेबल है, तो ये ट्रेड जो है इसलिए आपका सक्सेसफुली प्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको LIS ब्लू के अकाउंट में भी दिखा देता हूँ। तो ये खुल गया मेरा LIS का अकाउंट। अब इसमें दिखा रहा है मेरा टोटल मार्जिन कितना है क्या नहीं है। अब ये यहाँ पे हमें ऑर्डर्स पे जाना है और ऑर्डर्स पे जाने के बाद हमें कंप्लीटेड ट्रेड्स पे जाएंगे, यहाँ दिख जाएगा ये क्रूड ऑयल का ट्रेड। अब मान लो इस ट्रेड को हमें करना है ख़त्म, अभी तो ये लगा ही नहीं है वैसे भी क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से ट्रेड नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे जो है हम इसको अगर स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन नीचे दिया हुआ है क्लोज बाय, अगर हम क्लोज बाय पे क्लिक करेंगे तो एक और ट्रेड हमारा हो जाएगा और ये ट्रेड क्लोज हो गई, वो लाइनें जो थी स्टॉप लॉस टारगेट की वो वहाँ से गायब हो गई। और अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे 31 ऑर्डर आ गए, यहाँ पे सेल का ऑर्डर भी आ गया है तुरंत ही। तो इस तरीके से सेमी ऑटो ट्रेडिंग के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आते हैं फुल ईएल को कैसे करेंगे। तो इसको मैं इंडिकेटर को देता हूँ यहाँ से हटा और लगाता हूँ यहाँ पर नया इंडिकेटर। नया इंडिकेटर में मैंने आपको बताया 3 इंडिकेटर मिलेंगे, एक है उसमें सुपर ट्रेंड और एक है मल्टी इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है दोस्तों उस इंडिकेटर में आपको करना है डबल क्लिक और यहाँ पे देखो यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं 10 और 4। अगर आपको भी इसी वीडियो के अंदर देखना है कि भाई कैसे ट्रेड होगा तो मैं इसको कर देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसकी सेटिंग कर देता हूँ बहुत ही ज़्यादा फास्ट, ताकि ये ट्रेड कर अभी जल्दी जल्दी से ट्रेड कर करके दिखाता रहे। अब ये मैंने इसको कर दिया बहुत फास्ट। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा नीचे, अब यहाँ पर मैं डालूँगा फिर से अपनी लॉगिन डिटेल्स। यूज़र की मैंने बनाई थी 7 टिक्स और इंस्ट्रूमेंट की, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट की पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर ही करना है तो रेगुलर ऑर्डर डालेंगे। रेगुलर ऑर्डर डालने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको ओके। ओके करने से क्या होगा दोस्तों, ये जो है अलग अलग एरो एरो दिखाने लग गया जल्दी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे हमने सेट करा हुआ है क्रूड ऑयल का इंस्ट्रूमेंट, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो जैसे ही नया कोई सिग्नल यहाँ पे बनेगा ये तुरंत यहाँ पे हमें ट्रेड करके दिखाएगा और नीचे विंडो में यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा आ जाएगा कि ट्रेड का क्या रिस्पॉन्स है।
और साथ ही साथ फिर ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल पे चली जाएगी अपने आप। तो थोड़ी देर इसको वेट करते हैं कोई नया सिग्नल बनने तक। जैसे कोई नया सिग्नल बनता है उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ट्रेड रहता है। चलिए जब तक नया सिग्नल बनता है तब तक एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको दूसरे इंडिकेटर यानी मल्टी इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। मल्टी इंडिकेटर में देखो दोस्तों अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड, पैराबोलिक सार, हाइकेनाशी, RSI, CCI और आपका स्टोकेस्टिक, MACD, OSMA, मोमेंटम इंडिकेटर, ADX इंडिकेटर, ATR इंडिकेटर, फोर्स इंडिकेटर, एलिगेटर, गेटर ऑसिलेटर, विलियम परसेंटेज रेंज, डी मार्क इंडिकेटर। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन इंडिकेटर्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, इनमें से एक कोई भी एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो या इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए बॉलिंगर बैंड का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, बॉलिंगर बैंड को ट्रू कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए पैराबॉलिक का करना है तो पैराबॉलिक को भी ट्रू कर देंगे। मान लीजिए मूविंग एवरेज में दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर करना है तो उसको भी कर देंगे। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ, तब तक आप ये सबसे पहले ये देखिए ट्रेड हो गया है हमारा। और ट्रेड होने के बाद यहाँ पर जो है रिजल्ट भी आ गया है, बाय का ट्रेड प्लेस हो गया है। अब जम जाएंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो ये देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल का बाय का ट्रेड आ गया। इस तरीके से फुली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फुली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है। और सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है, जिसमें आपका ऑर्डर जो है वो सेमी ऑटो से यानी बटन दबाने से लगता है, और इसमें फुली ऑटो में आपका ऑटोमेटिक ट्रेड होता है जो कि अपने आप हो जाता है। उसमें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं सर्वर पे चला के छोड़ सकते हो। अगर आपकी मशीन की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो आप सर्वर पे चला के छोड़ सकते हो, नहीं तो आप अपनी मशीन पे कर सकते हो। कोई भी सेटिंग जैसे आपको चेंज करनी है, मैंने तो ये फास्ट सेटिंग लगाई सुपर ट्रेंड की, आप चाहो तो कोई और भी सेटिंग लगा सकते हो। चलिए दोस्तों वापस से चलते हैं अपने इंडिकेटर पे, जो मैंने आपको बता रहा था कि कोई भी इंडिकेटर जैसे मान लो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का करना है तो इसको ट्रू करेंगे। यहाँ पे पहली मूविंग एवरेज और दूसरी मूविंग एवरेज पीरियड डालेंगे, और यहाँ पे उसके बाद जो है बॉलिंगर बैंड को ट्रू करेंगे, और उसके बाद पैराबॉलिक को ट्रू करेंगे। और ट्रू करने के बाद हम इसको जैसे ही नीचे जाएंगे अपनी डिटेल भरेंगे, डिटेल भरने के बाद ओके कर देंगे। तो ये डिटेल भरने के बाद ओके करने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा, और जब इन तीनों चीज़ों में कंफर्म बाय आएगा तो ही बाय करेगा, जब इन तीनों में सेल आएगा तो ही सेल करेगा। यानी कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इंडिकेटर में काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सेक्शन एल्गो ब्रिज का, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एल्गो ब्रिज काम करता है, किस तरीके से उसका MT4 सेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। यहीं पे आप अपनी ट्रेड बुक, ऑर्डर बुक, नेट पोजीशन सब कुछ यहीं पे देख सकते हो। आपको आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, नया ऑर्डर आएगा यहीं पर लग जाएगा, आपको दिख जाएगा कि भाई ऑर्डर लग गया नहीं लग गया, क्या पोजिशन है, रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ, कंप्लीट हुआ तो ठीक है ट्रेड बुक में आ जाएगा, सब चीज़ें आप यहीं से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और जो इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि अगले आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग। और हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि आपको यहाँ पर अगर डेमो लेना है तो 6 दिन का फ्री डेमो अवेलेबल है। आप आइए अपना अकाउंट ओपन करिए, 6 दिन का डिफॉल्ट डेमो मिलता है। इसमें किसी भी सर्विस को, किसी भी चीज़ को आप 6 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।